कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत से पहले गोरखपुर के होटल कृष्णा की एक तस्वीर भी अब सामने आई है। इस तस्वीर में कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्त के साथ होटल के कमरे में मौजूद हैं और पुलिस वहां पर तहकीकात कर रही है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, नीली टी शर्ट में आपको मनीष गुप्ता नजर आएंगे। पुलिस वहां पर पहुंची है, साथ में होटल का स्टाफ भी था और जो लोग एक मनीष गुप्ता का मित्र जो वहां अपने बैग से कुछ निकालकर दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मनीष गुप्ता बेड पर पहले लेटे हुए थे, दूसरी तस्वीर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता ही है कि जब पुलिस वहां जांच करने पहुंची थी और जांच किस बात की कि कौन से लोग रुके हुए हैं, उनका पहचान पत्र देखा जाए, किस पर्पज से रुके हुए हैं ये जानकारी ली जाए, तो फिर अचानक वहां ऐसा क्या हुआ कि मनीष गुप्ता की मौत हो गई और ऐसा क्या हुआ कि गोरखपुर पुलिस को इस तरह से बर्बरता करनी पड़ी, जो आरोप उनके परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं जिसमें मनीष गुप्ता की जान चली गई। ये तमाम अहम सवाल हैं, लेकिन ये तस्वीर रात 12:15 बजे के बाद की है, 12:15 बजे के बाद की है। उनके परिवार के मुताबिक भी दावा यही किया जा रहा है कि उसी वक्त पुलिस वहां पर पहुंची थी और उस वक्त जब कुछ लोग कमरे में सो रहे थे, तीन लोग ये थे, एक दो लोग सो रहे थे, एक व्यक्ति जगा हुआ था, पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, उसी बात को लेकर बहस हुई कि इस वक्त आप कमरे में कैसे आ सकते हैं और उसके बाद ये पूरी घटना हुई और इस बर्बरता में मनीष गुप्ता की जान चली गई, जिसके बाद उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता लगातार न्याय की गुहार लगा रही है और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके मुताबिक आला अधिकारी मनीष गुप्ता के परिवार को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि FIR कराने की जरूरत नहीं है, मुकदमा कराने की जरूरत नहीं है, उन 6 पुलिस वालों के परिवारों के बारे में सोचिए। इस तरह की बातें जो वायरल वीडियोज हैं उसमें दिखाई और सुनाई दे रही हैं, लेकिन परिवार का साफ कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और इसके लिए परिवार लगातार गुहार लगा रहा है। हालांकि बाद में कानपुर प्रशासन की तरफ से ये कहा गया, इस तरह की बात सामने आई उनके परिवार की तरफ से, ABP न्यूज से बात करते हुए कहा गया कि कानपुर प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि CM आज कानपुर पहुंचने वाले हैं, उनसे उनकी मुलाकात कराई जा सकती है। और इस बीच पूर्व CM अखिलेश यादव मीनाक्षी गुप्ता के घर पर, मनीष गुप्ता के घर पर मौजूद हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और कुछ देर पहले वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुट गए थे क्योंकि अखिलेश यादव वहां पहुंचने वाले थे। तब मीनाक्षी गुप्ता ने साफ कर दिया था कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मुझे अपने पति के लिए इंसाफ चाहिए। वो मीडिया से बात कर रही थी, अपनी तमाम बातें सामने रख रही थी, लेकिन ये तस्वीर बहुत अहम तस्वीर है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस कमरे में पहुंची थी, जिसके बाद मनीष गुप्ता की मौत हो गई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।